नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आई थिंक लास्ट व्लॉग में जो मैं मेकअप करी थी तब भी मैं ये टॉम एंड जेरी वाली टी शर्ट पहनी थी और अभी भी मैं यही पहनी हुई हूँ। सो बेसिकली मुझे इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आपने ये कहाँ से लिया है, टी शर्ट का लिंक दे दीजिए। तो ये टी शर्ट मेरा बहुत पुराना है, मेरा भी नहीं, ये विक्की का टी शर्ट है और ये सब डी मार्ट वाले हैं। सारी टी शर्ट्स या तो डी मार्ट की हैं घर में जो मैं पहनती हूँ, और इधर ज़ुब्रियो की है 199 वाली, और ये 159 या 199 ये भी ऐसी कुछ होगी, तो उस वहाँ से है। तो आज पहनने वाली हूँ विशाल ने, ये जिसके यहाँ पर अगेन ये टॉम एंड जेरी बना हुआ है, ये सब डी मार्ट की टी शर्ट्स है। यूनिटून्स करके ना हम आई थिंक कोविड में लिया था हम लोगों ने, कलेक्शन आया था। तो आज नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज के व्लॉग में क्या होने वाला है लेट्स सी, देखते हैं। मुझे जाना है विव्याना क्योंकि मैं जा रही हूँ 2 दिन में अपने वापस भोपाल। तो मैंने बताया लास्ट व्लॉग में मैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ क्योंकि 2-3 फंक्शंस मुझे अटेंड करने हैं। मेरे साथ मैं अभी वैष्णो देवी गई थी ना, जवस्वी हमारे साथ में एक और फ्रेंड है हमारा, तो जो जिसके साथ अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे त्रिंबकेश्वर, जिसमें हम बारिश में त्रिंबकेश्वर घूमने के लिए गए थे, तो मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड चला था अक्षय, तो उसकी शादी है तो ऑब्वियसली भोपाल से ही है, तो वो एक है। ऐसे करके मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बैक टू बैक हैं। तो मुझे जाना है 2-3 सामान लेने के लिए, बस वहीं जा रही हूँ मैं, आपको लेके चलती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टार्ट करते हैं, दिन कैसा स्टार्ट करते हैं। मुझे आज हेयर वॉश भी करना है तो फटाख से पहले जाती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल कॉर्ड सेट, कॉटन का, जो आपने आई थिंक मेरे हॉल में देखा होगा। बहुत ही कम्फर्टेबल एंड अमेजिंग कॉर्ड सेट है। मैं जा रही हूँ ना तो मैं सोच रही हूँ ट्रू ब्राउंस का जो शॉपर्स स्टॉप पे आउटलेट है उसमें मैं थोड़े से और ये देखूँगी अपने जो कॉर्ड सेट्स होते हैं। टाइम रहा तो बहुत सारा सनस्क्रीन लगा लिया है मैंने। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये वाले शेड्स लगाऊंगी। मुझे जब से ये आए ना आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस शेड्स बिकॉज दिस इज लुकिंग अमेजिंग। तो चलिए चलते हैं, क्लचर भी लेके जा रही हूँ बिकॉज कब मन कर जाएगा। और हाँ, मैं अपनी गाड़ी से नहीं जा रही हूँ बिकॉज आज गाड़ी विक्की लेकर के गया है, तो ऑब्वियसली कैब ऑर्डर करूँगी मैं। तो यस लेट्स गो। अब बाकी की जो व्लॉगिंग है वो मैं आपको अपने मोबाइल कैम से करके दिखा दूँगी। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर विद यू फ्यू थिंग्स बिकॉज समर इतनी खतरनाक लेवल पे आ चुकी है। आई एम श्योर काफी सारे लोगों को स्किन पे सन टैनिंग का इशू होता होगा, तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो रेंज लेकर के आई हूँ वो है डी टैन प्लस रेंज बाय एक्वालॉजिका। पूरी डी टैन रेंज है ये, आपकी स्किन से सन डैमेज जो टैनिंग हो चुकी है उसको रिड्यूस करेगा, आपके जो फेस पे पिगमेंटेशन है उसको कम करेगा और आपकी स्किन को ब्यूटीफुल ब्राइट एंड हाइड्रेटेड बनाएगा। इसके जो की इंग्रेडिएंट है वो है चेरी टमेटो, हाइरोलोनिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। एंटीऑक्सीडेंट रिच चेरी टमेटो रिड्यूसेस टैन, ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है जेंटली एक्सफोलिएट करता है और आपकी जो डेड स्किन सेल है उसको रिमूव करता है। हाइरोलोनिक एसिड जो है वो इंटेंस मॉइस्चराइजेशन एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो एक्वालॉजिका का डी टैन प्लस स्किन रेंज जो है ये बिल्कुल एकदम राइट प्रोडक्ट है आपकी स्किन को फ्रेश, ग्लोइंग एंड साथ ही साथ जो सन डैमेज है उसको कम करने के लिए। गुड बाय कहिए हीट को, आपके सन टैन को और साथ ही साथ डिहाइड्रेटेड स्किन को। आप इस रेंज को AM PM रूटीन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है ये है एक्वालॉजिका का डी टैन प्लस स्मूदी फेस वॉश। बहुत ही लाइट जेल बेस्ड फेस वॉश है जो कि हेल्प करता है आपके सन टैन को रिड्यूस करने में। एक अच्छा सा बर्स्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट मिलता है आपको आफ्टर वॉश। नॉन ड्राइंग है और बहुत ही जेंटल क्लेंजिंग है, आपको सॉफ्ट एंड सपल लुक देता है। AM रूटीन में उसको लगाने के बाद D10 प्लस ड्यूई सनस्क्रीन लगाना है। लाइट वेट टेक्सचर है, SPF 50 है, PA 4 टाइम्स प्लस है और कोई भी व्हाइट कास्ट ये नहीं छोड़ता है। नाउ कमिंग टू द PM रूटीन, आपको अगेन ये फेस वॉश यूज करना है और उसके बाद आता है जबरदस्त प्रोडक्ट D10 प्लस कॉन्सेंट्रेट सीरम। जेंटली एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को टू रिमूव डेड सेल। बहुत ही लाइट वेट है, क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन
में है और कोई भी इसमें फ्रेग्रेंस एडेड नहीं है। ये जो एक्वालॉजिका के प्रोडक्ट्स हैं, दे आर अवेलेबल ऑन नायका, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। तो एक्वालॉजिका इज ए वीगन, क्रुएल्टी फ्री एंड क्लीन ब्रांड। सो एक्वालॉजिका नॉट ओनली ब्रिंग्स बैक द लॉस्ट वाटर टू योर स्किन बट ऑल्सो टू द कम्युनिटीज इन नीड ऑफ क्लीन वाटर। अब जितनी बार एक्वालॉजिका का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं एक्वालॉजिका की वेबसाइट से, आप हेल्प कर रहे हैं किसी को इन नीड गेट एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो कि एक बहुत अच्छा कॉज है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप चेक जरूर करिएगा। एंड स्क्रीन पे दिया हुआ जो कूपन कोड है उसको अगर आप यूज करेंगे, यू विल गेट 20% ऑफ एक्वालॉजिका की वेबसाइट पे। तो चलिए वापस से चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो आई एम बैक और मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ वो आपको बताती हूँ। तो जो मैं कुर्ते लेकर के आई हूँ ना, वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ट्रू ब्राउन से। इतने अमेजिंग, मैं लेने कुछ और गई थी बट वो मुझे जब मैंने पहन के दिखाना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, सो दैट्स वाई मैं दूसरे दो कॉट सेट लेकर के आई हूँ। तो कुर्ता पैटर्न में नहीं लाई हूँ मैं, ऐसे जो थोड़े से लॉन्ग टॉप होते हैं ना वैसा, और मस्त लूज सा बॉटम दिखाती हूँ। दिस इज इन द शेड, बहुत ही प्यारा ऐसे बर्न ब्राउन कलर है। तो ये है, मतलब इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि वो फैब्रिक देख के मुझे इतना अच्छा लगा। सो ये इसका पैंट है और ये इसके ऊपर का वो है जो टॉप होता है ना, दिस इज द टॉप। हल्का सा लॉन्ग है एंड मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं ये थोड़े बड़े साइज का लाई हूँ, पिक्चर लगा दूंगी मैं पहन के आपको, नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पहले मैं उसको वॉश करूंगी। मैंने एक बहुत ही खतरनाक सा रिस्क लिया है, मैं यूजुअली वाइट कपड़े नहीं पहनती हूँ बट अब मुझे धीरे धीरे ना वाइट बहुत अच्छा लगने लगा है, कपड़ों में भी एकदम सटल सा देखने में अच्छा लगने लगा है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फेस पे वाइट कलर खिलता नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। मैं वाइट कलर में डल लगती थी बट अब मेरा वो परसेप्शन चेंज हो गया है, मैं अब अपने आप को वाइट कलर में अच्छी लगने लगी हूँ। दूसरों का मुझे नहीं पता वो क्या सोचेंगे बट हाँ। सो दिस इज़ द बॉटम, कॉटन लिनन है सब कुछ जो मैं लेके आई हूँ ना, कॉटन पैंट है और उसके साथ में ये शर्ट है। बहुत स्मार्ट लग रहा था, मतलब जब मैं इसको स्टाइल क्या करूँगी, मैं इसको जब पहनूंगी बाल वाल खुले, शेड्स लगाऊंगी, अच्छे से कैरी करूंगी फुटवेयर के साथ, तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छा लगेगा। विक्की को बिल्कुल पहन के नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि विक्की मुझे बोलेगा एक तो इतने महंगे कपड़े और ऊपर से नाइट सूट जैसे लग रहे हैं, तो इसलिए उसको नहीं दिखाने वाली, बट मुझे ये बहुत स्मार्ट लग रहे थे। मुझसे ना लास्ट जब मैंने ट्रू ब्राउन का कौन सा वीडियो बताया था तो किसी ने मुझे बोला था कि बहुत एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव इसलिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्योर कॉटन लिनन है। आप सोचोगे कॉटन के कपड़े तो 300-400 रुपए में भी आ जाते हैं मीशो पे या अमेज़न पे या जिस पे भी, तो जो वो कॉटन होता है ना, इनमें जो जब थ्रेड्स मतलब जो कॉटन की वीविंग होती है, पूरा ये वीव्स होते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग वीविंग में कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं। मैंने देखा होगा जो भी ब्रांड्स एकदम प्योर कॉटन बनाते हैं, जैसे फैब इंडिया हो गया और ये भी ट्रू ब्राउन्स हो गया और भी जो जो एकदम प्योर कॉटन की चीज़ें होती हैं, आप वेस्ट साइड में भी चले जाओ वो भी सब, वो सब बहुत एक्सपेंसिव आएंगे। तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि इनका पूरा एक एक जो थ्रेड्स होते हैं वो सारे प्योर कॉटन के होते हैं, मिक्स नहीं करते हैं ये। अदरवाइज मैं कपड़ों में खुद से कभी भी इतना इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। दूसरा, मैंने ये इसलिए भी लिया है क्योंकि ये सस्टेनेबल है, दीज आर नॉट फास्ट फैशन क्लोथ्स। तो अदरवाइज जो भी आप देखते हो जो मैं अमेजन वगैरह के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, मैं वही कपड़े पहन के घूमती हूँ, मैं नहीं खरीदती हूँ, बट ये मुझे ऐसा लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ इट है। इसके अलावा मैं और क्या लेके आई हूँ, दो नेल पेंट्स लेकर के आई हूँ H&M की, एक तो ये और एक ये वाला कलर। तो ये तो मैंने लगाई लिया, दिस इज नॉट अ वाइट कलर, ये वाइट और क्रीम मसाला चाय कलर है, ये बहुत अच्छा सा मिक्स्ड टाइप का कुछ कुछ कलर है। ये देखो दिख रहा है आपको, वैसा कलर है तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये। आज थोड़ी सी बारिश हुई है मुंबई में बट हुआ क्या, बारिश होने के बाद धूप आ गई है, तो बस अब ये जो भपकेगी ना गर्मी वो तो मतलब बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके गाइस, तो आज शाम हो गई है, अब भी जस्ट पूजा करी है मैंने और आज का वेदर जो है बाहर मस्त बारिश हो रही है। एक्चुअली पता है जब हमने काम करवाया ना तो हमने एक और गलती क्या करी, हमने सिर्फ एक ही गेट पर ये नेट लगवाई है, यहाँ नहीं लगवाया, तो मुझे ना यहाँ पे भी नेट लगवाना। आप सोचो क्या सही हवा चलती है जब ये वो वाला जो गेट है ना वो खोल देते हैं आधा और ये खोल देते हैं पूरा, तो ऐसे मस्त हवा चलती है। मतलब बस खाना वाना खाते हैं, मैं पनीर भुर्जी, तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ डिवाइडेड है जिसको मैं हाथ भी नहीं लगाती हूँ, लगाना भी नहीं चाहती। तो यस, अब हम डिनर करते हैं, अभी बजा है 7:20, तो हमारा इतने बजे डिनर हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 8 बजे, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हम पेट भरा हुआ है कुछ है तब, अदरवाइज हम लोग 7:30 तक डिनर कर लेते हैं। चलिए गाइज, अब मैं बैठती हूँ अपना ये जो है पिटारा लेकर के, इसके अंदर मेरा पूरा जर्नलिंग का सामान रखा हुआ है, उनसे बैठ करके सब वो स्टिकर लगा करके एस्थेटिक जर्नलिंग करती हूँ। तो मैं यूजुअली शूट नहीं करती हूँ, जब मैं करती हूँ मैं अपना टाइम लेती हूँ, आधा एक घंटा जर्नलिंग करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे बहुत। इट्स लाइक अ
मेडिटेशन फॉर मी. सो यस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल. कल पूरा वाइंड अप करना स्टार्ट करूँगी मैं. बाय. हाय एवरीवन. सो आज है डे टू और अभी जस्ट शाम हो रखी है. मैंने सुबह से इसलिए व्लॉग नहीं किया क्योंकि आज मुझे दो तीन वीडियोस कंप्लीट करने थे बिकॉज मैं कल निकल रही हूँ. तो हम लोग क्या तत्काल की टिकट निकालते हैं, तो आज हमने टिकट करी, हमारी कल की हो गई है. तो अब हम लोग कल निकल जाएंगे. जब पता चल जाता है कि हाँ टिकट्स कन्फर्म्ड हैं तब फिर मैं वाइंड अप करना स्टार्ट करती हूँ. तो अब जब पता चल गया कि कल मुझे निकलना है तो मैंने फटाफट दो तीन मुझे वीडियोस बनाने थे ब्रांड के, तो वो बना करके कंप्लीट करे हैं. क्योंकि मैंने बताया ना अभी मुझे 30 को वो वीडियो लाइव करना है. शाम हो रही है और शाम को मैं खा रही हूँ पीनट बटर और साथ में सत्तू खा रही हूँ. मुझे बताना कितने लोगों को सत्तू बहुत पसंद है. तो ये है सत्तू. मैं पहले भी काफ़ी सत्तू खाती थी और अभी मैंने काफ़ी फ्रीक्वेंटली खाना स्टार्ट कर दिया. मतलब मैं डेली इवनिंग स्नैक में सत्तू ही खाती हूँ. तो मेरे को इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आप वेट कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज आई थिंक मेरी प्लेट में किसी ने खाना देख लिया था एक बार, तो मुझे बोला था कि आप बहुत कम रोटी खाते हो. मैं अपना जो पूरा डाइट है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ज़रूरत लगती है किसी और चीज़ की. क्योंकि जब हम ईयरली टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आता है ना कि आपकी बॉडी में क्या कम है क्या ज़्यादा है, तो सब ठीक आता है. अब मैंने आपको बहुत पहले, याद हो तो मैंने आपको बताया था जब मैं उस वाले घर में रहती थी वहाँ पर मुझे बहुत हेयर फॉल होता था. आपको याद होगा मैंने बिस्लरी की बॉटल्स भी मंगवा करके रखी थी. तो अभी भी ये वाला घर वही है ना, तो यहाँ पर भी जब मैं आई थी ना तब भी मेरा हेयर फॉल होना बहुत स्टार्ट हो गया था. फिर मैं भोपाल चली गई थी. फिर अभी मेरे घर पर ना सत्तू मंगवाया गया था गाँव से. मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे घर पर गाँव से आती है, ऊपर वाले घर में भी नीचे वाले घर में भी. सत्तू जो है वो अभी मैं लेकर के आई हूँ, दो बार से लेकर के आ रही हूँ. यहाँ पर भी खाती हूँ मैं शाम को. तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा आपको ये प्रॉब्लम पता होगा कि मेरे नेल्स नहीं ग्रो करते हैं. मतलब लिटरली मेरे नेल्स बहुत ब्रिटल हैं, बहुत. आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं बोलती थी कि मेरे नेल्स बहुत ब्रिटल है. और ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, पहले काम करती थी या पहले काम कर रही थी अभी काम नहीं कर रही हूँ. इक्वल अमाउंट ऑफ काम कर रही हूँ. मेरे बालों का जो हेयर फॉल है टचवुड वो कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, एकदम ना के बराबर इक्का दुक्का गिरते हैं मेरे बाल. और साथ ही साथ मेरे जो नेल्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं. तो जो जो भी प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि दिस इज़ सो हाई एंड रिच इन प्रोटीन, बिकॉज आई स्टॉप ईटिंग एग राइट फ्रॉम आई थिंक 8-9 मंथ्स हो गए. मैंने एग को टच भी नहीं किया है. उसके बाद मैं कोई प्रोटीन सप्लीमेंट अलग से नहीं लेती हूँ. दाल खाती हूँ मस्त, ये खाती हूँ और सारा वेजिटेरियन फूड ही खा रही हूँ. बहुत सारे होते हैं ना जो लोग एग खाते हैं या जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो इस तरीके से आपको वो करते हैं वेजिटेरियंस को. बहुत मेरे को बहुत सुनने को मिला है तुम्हारे अंदर प्रोटीन की कमी होगी, तुम्हारे अंदर ये कम होगा, तुम्हारे अंदर वो कम होगा, ऐसे फालतू की बातें करते रहते हैं. और लिटरली ये जो नॉन वेजिटेरियंस लोग, मैं किसी को मॉक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर चिढ़ा नहीं रही हूँ या कुछ गलत उससे नहीं बोल रही हूँ. मैं उनको बोल रही हूँ जो ट्रोल करते हैं, जो आपको मॉक करते हैं, चिढ़ाते हैं. प्रोटीन क्या करता है, मसल डेवलपमेंट करता है, आपका आइडियल वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है एंड स्लो डाउन करता है एजिंग प्रोसेस को. खाना है वो आपका फूड चॉइस है, बट नॉट बिकॉज यू वॉन्ट एनी सप्लीमेंट जो आपके इस डाइट में काम है. भाई एग से ज़्यादा रिच प्रोटीन इसमें होता है सत्तू में, और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है. आपको सप्लीमेंट कंप्लीट करने की नहीं खाना है, बाकी इट्स योर चॉइस. इफ़ यू वॉन्ट टू ईट इट यू कैन ईट इट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू ईट इट. दूसरी चीज़ जो मुझे बोलते हैं कि आप वेट कैसे मेंटेन करते हो, मैं कोई वेट मेंटेन नहीं करती हूँ, कुछ अलग से नहीं करती हूँ. इट्स जस्ट दैट मेरे को जैसे इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है, आप इतने एक्टिव कैसे रहते हो. तो वो जो एक्टिव है और वो जो वेट मेंटेनेंस है, ये दोनों इक्वली एक दूसरे से कंबाइंड है, कनेक्टेड है. बिकॉज मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ तो उसी से मेरा वेट मैनेजमेंट होता है, मैं कुछ अलग से नहीं करती हूँ. बाकी फिर देखो थोड़ा जेनेटिक भी होता है, बॉडी टू बॉडी भी डिफर करता है, जेनेटिक भी होता है. हो सकता है कोई मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव हो बट शायद वेट उनका, तो आपका वेट बढ़ना या वेट कम होना आपको हेल्दी नहीं दिखाता है. मेरी मम्मी, मेरी मास, ये लोग सब एकदम स्लिम ट्रिम वाली कैटेगरी के हैं. ये कितना भी खा लें हम लोगों को वेट पुट ऑन करने में टाइम लगता है. ये जीन्स भी वैसी ही, मेरा वेट बहुत जल्दी ड्रास्टिकली कम हो जाता है. कुछ भी होता है तो मेरा वेट पे सबसे पहले असर आता है. और आपने देखा ही होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं बहुत चटोरी हूँ. मैं भयंकर चटरम मटरम चीज़ें खाती हूँ, समोसे, कचौरी, ये चाट वो चाट. मेरी मम्मी तो अभी एक से एक चीज़ें बनाती हैं, तो मैं एक से एक चीज़ें सब खाती हूँ. ऐसा कोई अवॉइड नहीं करती कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना, ढिमका नहीं खाना, सब खाती हूँ. और काफ़ी सारा ज्ञान दे दिया है मैंने. मैं कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ना ही मैंने कोई डिग्री विग्री कर रखी है. भाई मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू. आपको ठीक लगता है तो आप फॉलो करिएगा, नहीं ठीक लगता है तो आप जो कर रहे हैं वैसा कर सकते हैं. तो जो प्लांट्स मैं अंदर लेकर के आई थी उनको वापस से बाहर पहुंचा दिया जाए. ये तो वाटर वाले प्लांट्स हैं, मतलब इनमें मैं पानी भर के रखती हूँ तो इनको ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते. बस मैं बाहर इसलिए रख के जाती हूँ क्योंकि अंदर ना पूरा पैक कर देती हूँ, तो वो पूरा सफोकेट
ऑप्शन में आकर के ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मैं सब बाहर रख देती हूँ छाँव में आराम से। ये सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं, ये कवर कर दिया है मैंने अच्छे से, ये कवर कर दिया है, सब चीज़ें अंदर रख दी वापस, क्योंकि फिर डस्टिंग डबल हो जाती है। तो यहाँ सब हटा दिया, वहाँ से सब हटा दिया, इधर सब हटा दिया, ये कल बाहर रखेंगे पैसा। तो मतलब आप सोचो कैसा लगता है घर, प्लांट्स हटा देती हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे घर का पूरा लुक ही प्लांट्स है। तो भोपाल जैसे ही मैं सुबह पहुंची हूँ, हम लोगों का प्लान बन गया था दीक्षा करिश्मा से मिलने का। एक्चुअली दीक्षा जा रही है बाहर, तो वन लास्ट टाइम, एक्चुअली फिर वो 2 ईयर्स के बाद आएगी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मिलते हैं, इसलिए मैं जल्दी भी आ गई थी। उसी के लिए बस मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट से और फिर निकलने वाले हैं। तो ड्रेस पे मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ कि ये ब्लैक वाला पहनूँ या फिर ये जो पर्पल वाला है वो पहनूँ, दोनों ही ऑफ शोल्डर हैं, तो मैं आई थिंक ब्लैक पहनूँगी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब इनसे मिली थी ना तब भी मैं पर्पल ही कलर का कुछ पहनी हुई थी। तो यस, दिस इज़ माई ड्रेस। और इसको तो क्या आप ऐसे भी पहन सकते हो और ऑफ शोल्डर तरीके से भी पहन सकते हो। तो यस, ये है करिश्मा जो कि फाइनली गाड़ी से आई हो। हाय, टाइम तो अब हमारे ग्रुप में सब चलाने लगे। हाँ, फाइनली सबने कार चलाना सीख ली, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बहुत ब्राइट लग रहा है। श्री जो है वो आ गई है। देखो कॉल नहीं उठा रही तो सामने तो खड़ी हूँ तेरे। सही में आज तुम अपने अठन्नी को कैसे भूल गई? मैंने बोला ये पहली बार तो मुझे चांस मिला है खेलने। एक्चुअली मैं मम्मी के घर पे थी तो इसलिए, जबकि हमने इसको बोला था दोनों को लेके आना, तो ये मैडम दोनों को छोड़ आई है। तो फर्स्ट चांस है मेरा अकेले एंजॉय करने का, फर्स्ट टाइम, मतलब मैं तीनों के साथ थोड़ा फ्री। सही में शादी के बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम मिल रहा है, नहीं तो इसका अटेंड नहीं रहता है। इसको एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई थी, कमी वो प्रॉब्लम हम नहीं बता रहे हैं, बट अब ठीक है ना, तो ये खाएगी पिएगी नहीं ज्यादा। ठीक है ठीक है। जो खाना हमने खाया वो इतना टेस्ट नहीं था, क्वांटिटी भी कम कर दी, टेस्ट पैथेटिक कर दिया। और उसके बाद जैसे हमने बिल देखा तो हम तीनों, मतलब इतना भी हमने दिया है पहले, बट वी आर ऑलवेज ऐसे बहुत हैप्पी, यूज्ड टू बी द हैप्पी कस्टमर, बट नाउ डिसअपॉइंटेड। ये जा रही है इसलिए हम लोग लास्ट मीट करने के लिए आए हैं और ये ब्लॉग बन रहा है। अब ये 2 साल बाद आएगी सीधे। कैसा लग रहा है दीक्षा तुमको हमको छोड़ के जा रही हो तो? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इसको हमको छोड़ के। इमोशन हमेशा रोके नहीं देखा, हंस के भी दिखा सकते हो। अभी तो एक्साइटमेंट होगी, अपने वीडियो कॉल भी करेंगे हम, इसको अलग चल रही है ये एक्साइटमेंट होगी। भाई ऑफ कोर्स किसको नहीं होती है, आप फ्रेंड्स अपनी जगह पर होते हैं और अपना हस्बैंड अपनी जगह पर होता है, इतने सालों से नहीं मिली। सालों से आई मीन जब से शादी हुआ 6 महीने Hi everyone, मुझे पता है कि ब्लॉग्स बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं, इसलिए भी हो रहे हैं बिकॉज करंटली आई एम इन भोपाल। मतलब ये ब्लॉग मैंने काफी दिन पहले का बना करके रखा था, बट ड्यू टू समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा, यहाँ आती हूँ तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा पैक्ड एंड बिजी हो जाती हूँ। एंड हाँ, मैंने अपने आई थिंक 1 or 2 ब्लॉग पहले बताया था कि मैं अपने ब्रेसलेट्स के बारे में आप लोगों को अपडेट करूंगी, बट फिर मैं भूल गई और मुझे किसी ने कॉमेंट करा लास्ट ब्लॉग में कि अरे आप ब्रेसलेट्स बताने वाले थे। तो मेरे पास बहुत सबसे ज्यादा किसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि अपनी गोल्ड ज्वेलरी आप शेयर किया करो। कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट था कि ठीक है आप भले ये सब मत बताओ क्लियरली, बट आप सजेस्ट कर सकते हो टू अ वर्किंग लेडी, जैसे शी इज अ वर्किंग लेडी एंड शी वांटेड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड नाउ, एंड हाउ शी कैन स्टार्ट, कौन से ब्रांड जैसे तनिष्क हो गया, कैरेट लेन हो गया, मलाबार हो गया और ब्लू स्टोन हो गया, ऑनलाइन जो भी ब्रांड्स हैं या और भी कोई ब्रांड है उनमें आप कंपेरिजन वीडियोज डाल सकते हो कि किसका डायमंड आपको ज्यादा बेटर लगता है। एंड आई रियली लाइक दोज सजेशंस। बहुत सारे 2-3 ऐसे ब्रांड्स हैं ऑनलाइन वाले जिनको मैं लिटरली रिग्रेट करती हूँ। तो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज माई ब्रेसलेट, जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं
बता दूं कि ये कार्टियर ब्रेसलेट नहीं है, दिस इज कार्टियर इंस्पायर्ड ब्रेसलेट. ऑब्वियसली ओरिजिनल कार्टियर नहीं है. मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ भी आ जाएंगे ना तो भी मैं जीवन में कभी भी ओरिजिनल कार्टियर ब्रेसलेट नहीं खरीदूंगी. जिस तरीके का आपको पता है जो ये कार्टियर इंस्पायर्ड ब्रेसलेट है ना, सेम ये जिसमें 4 डायमंड्स होते हैं और वेट भी उसका ऑलमोस्ट इतना ही होता है, मतलब उसका वेट भी अप्रॉक्सीमेटली 18 कैरेट गोल्ड का प्राइस क्या है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 9.5 और 10 लाख ऐसा कुछ है. तो सिर्फ एक ब्रांड टैग की वजह से मैं जीवन में कभी नहीं खरीद सकती हूँ, कभी खरीदूंगी भी नहीं. ये ब्रांडेड होते हैं ना, जैसे LV का गोल्ड हो गया, कार्टियर का गोल्ड हो गया, या किसी भी बड़े आप XYZ लग्जरी ब्रांड का गोल्ड लेना, तो मतलब क्या ही बोलूँ, मैं इंसल्ट नहीं करना चाहती किसी को बोल करके, बट ठीक है मैं नहीं कभी खरीदूंगी. इज माई ब्रेसलेट, आप पास से देख लीजिए इसको, इस तरीके से कुछ ये दिखता है. इसमें लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, ये डबल लॉक सिस्टम है और ये ना तो रोज गोल्ड है ना ही ये येल्लो गोल्ड है. मैंने येल्लो एंड रोज गोल्ड मिक्स करवा करके बनवाया था एंड दिस इज़ 18 कैरेट. तो मैंने आई थिंक मेरी इस पर नज़र थी 2021 टाइम से नज़र थी, बट क्योंकि इसका मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई था, मुंबई से ही मैंने ये दोनों चीज़ें मुंबई से ही लिए हैं, बट इसका जो मेकिंग चार्जेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा हाई था. तो मुझे विक्की इस चीज़ पे, जैसे विक्की और हम दोनों का कैसा होता है कि ही नेवर स्टॉप मी फ्रॉम बाइंग गोल्ड ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपना खुद अपने अमाउंट का इन्वेस्ट करती हूँ, उससे मैं नहीं लेती हूँ उसने, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत. वो मुझे प्रेशराइज नहीं करता है, कभी भी मना नहीं करता है, क्योंकि उसको ये बहुत अच्छे से पता है, उसको और मेरे घर वालों को, कि कोई चीज़ मैंने ठान ली है तो उसको मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता है. तो मेरी अगर किसी चीज़ में नज़र पड़ गई है तो वो समझाने के पर्स्पेक्टिव से मुझे बताता है. तो उसने मुझे यही चीज़ बताई थी, दैट मेकिंग चार्जेस आर वेरी वेरी हाई, आई पेड 30% मेकिंग चार्जेस ऑफ दिस, बिकॉज तब ये आया था मार्केट में, मतलब अब तो काफ़ी शॉप्स वाले इसको रखने लग गए हैं, बट उस टाइम ये सिर्फ आया था. तो आई लिटरली पे 30% मेकिंग चार्जेस, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ वाइज डिसीजन. ये इसका जो वेट है वो 18 ग्राम्स है, 18 कैरेट में बना हुआ है. तो अगर आप इसको 916 में बनवाएंगे, अब ये 916 में भी बनने लगा है, 916 मतलब होता है 22 कैरेट्स गोल्ड. तो 916 में अगर आप इसको बनवाते हैं ना, तो इसमें एटलीस्ट जो गोल्ड है वो लगता है 30 to 40, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इतना तो मेरा बजट ही नहीं था. तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ये, बहुत ही ज़्यादा पसंद था. पर 4 ऐसे डायमंड्स लगे हुए हैं, दीज आर नॉट रियल डायमंड्स, ये AD है, बट ये इतनी अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं उन्होंने कि मैं इसको डेली भी पहनती हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. डबल लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, सो आई रियली लाइक इट, और बिल्कुल मेरे हाथ के साइज़ का है ये. ये लेने भी गई थी ना विक्की के साथ, ऐसे अगर 50 के अंडर कोई चीज़ लेनी होती है, 50-60 के अंडर कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं अकेली जाके ले लेती हूँ, बट 50-60 हज़ार के ऊपर की कोई भी चीज़ होती है तो फिर मैं साथ में विक्की को लेके जाती हूँ. क्या हुआ था कि उसने ना, जब उसने मेकिंग सुना तो वो तो बिल्कुल शॉक में रह गया. उसने बोला कोई मतलब नहीं है, क्यों लेना है ये, इतना अजीब तरीके का शेप का लेना क्यों, अंडे के शेप का गोल वाला ले लो. तो मैं उसको यही बता रही थी, मैंने कहा गोल, इतना कन्विंस किया बताने के लिए, मतलब वो मुझसे पॉइंट्स जान रहा था कि क्यों मैं ये स्टूपिडिटी कर रही हूँ इतना मेकिंग चार्जेस देने का. इसका प्राइस थोड़ा और बढ़ गया होगा, क्योंकि जब मैंने ये लिया था तब गोल्ड का प्राइस ऑब्वियसली आपको पता है कि काफ़ी स्पीड से बढ़ता है. मेरी फ्रेंड है दीक्षा, जिसकी शादी हुई है, उसने लिटरली स्पेशली ये बनवाया है, क्योंकि एक्चुअली बैंगल्स एंगल्स इतना जमता नहीं है ना, ये बिल्कुल ब्रेसलेट का इफेक्ट भी देता है, इट लुक्स वेरी स्मार्ट एज वेल. अब आते हैं दूसरे वाले पे, दिस एंड दिस, ये पतला है. तो कार्टर ने 2 तरीके के ब्रेसलेट्स निकाल रखे हैं, एक ये आई थिंक मिनी लव बैंड बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको. तो मेरा जो ज्वेलर है मुंबई वाले भैया, वो इस तरीके की चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट हैं. 2 ज्वेलर्स हैं जिनसे मेरी अच्छी बनती है, नंबर नंबर शेयर कर रखा है मैंने उनके साथ, कुछ भी अपडेट आता है, नई ऐसी चीज़ आती है ट्रेंडी सी तो मुझे भेजते हैं. तो उनके पास ना ये मॉडल आया होगा, ये रीसेंट की, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तो काफ़ी पुराना हो गया, 1.5-2 साल होने वाले इसको. तो उन्होंने मुझे इसका फ़ोटो भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक मेरे पास कम वेट में, इसका वेट ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 9 ग्राम्स का है. मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल भेज दो. जैसे ही उन्होंने मुझे भेजा और मैंने इसका प्राइस पूछा तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. अब मैंने उनको बोला ठीक है आप इसको अलग रख दो, बताया फ़ोटो खींच के भेजा. तो मेरी मम्मी बोलती तुम एक जैसी 2 चीज़ें क्यों ले रही हो, अलग डिज़ाइन की ले लो या फिर दोनों हाथ के लिए ले लो, ये छोटा बड़ा लेने का मतलब क्या है, उनको समझ में नहीं आया लॉजिक. तो मैंने उनको समझाया इसको दो एक ही हाथ में फैला जाता है ऐसा वैसा ऐसा करके. फ्रेंड है मिशा, मैंने उसको भी ये चीज़ बताई, वो भी उसका भी सेम जो मेरी मम्मी का थॉट था, वही बोली एक जैसे डिज़ाइन के तुम ये आजू बाजू ऊपर नीचे वाले क्यों ले रही हो, तुम्हें ले रहे हैं तो कुछ अलग डिज़ाइन ले लो, तो फिर उनको साथ में पहनोगी तो अच्छा.
तो उस फिर हालांकि एंड में सब ये बोलते थे कि ठीक है इफ यू लाइक इट सो मच यू कैन गो फॉर इट। मैंने विक्की को बताया देख के आई हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद आया है और मज़ा आ गया मुझे पहन करके देख करके, और रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, ये भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो विक्की मुझे बोलता है देख लो भैया पसंद आ रहा है तो अपने हिसाब से लेना है तो ले लो एंड ऑल दैट। ऐसे करके मेकिंग इसका थोड़ा कम था, मतलब ये वाले का मेकिंग जैसे मैंने बहुत दिया था ना 30, तो ये मैंने लड़ लड़ के कम करवा करवा के 25% करा दिया था। 25 से कम तो वो नहीं कर रहे थे तब भी, थोड़ी स्टाइलिश चीज़ें होती ना उनको बनाने में थोड़ा लगता है। तो अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे ना तो इसमें हल्का सा रोज गोल्ड मिक्स है, बट इसमें प्रॉपर येलो गोल्ड ही है ये, और इसके अंदर कोई भी आप देखोगे तो वो नहीं लगे हुए हैं, डायमंड्स नहीं लगे हैं, ये प्रॉपर एकदम ऐसा वाला ही है। अपनी मेकिंग में कभी किसी की नहीं देती हूँ, मैं बनवाती हूँ कोई चीज़ 22 कैरेट में तो उसकी मेकिंग मैक्स में देती हूँ 11 से 12%, और अगर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ 716 मतलब कि 18 कैरेट में तो मैं उसका मेकिंग देती हूँ 15 to 16% मैक्स, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मेकिंग नहीं देती हूँ, क्योंकि कुछ डिज़ाइंस ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो ये वैसी थी ऐसा था इसलिए मैंने इतना दिया, और मुझे पता है कि आई एम एनी वेज नॉट गोना चेंज इट। मैं वही आपको बोल रही थी कि अगर आगे आपको और इस तरीके के स्टोरी वाइज और क्या मैं इन्वेस्ट करती हूँ, कैसे इन्वेस्ट करती हूँ, कितना परसेंटेज करती हूँ, ये वो आपको जानना है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगी वैसा वीडियो। आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।